क्रिकेट के फैंस के लिए बड़ी और अच्छी खबर, श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। फाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बल्लेबाजी, भारत की 88 रनों की बढ़त से आगे निकला ऑस्ट्रेलिया। ट्रेविस हेड ने खेली 90 रनों की पारी। ऑस्कर अवार्ड में भारत की धूम, भारतीय फिल्मों के हिस्से में आए दो खिताब। फिल्मारार के गाने नाटू नाटू को मिला ऑस्कर सम्मान, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला अवार्ड। ऑस्कर के मंच पर आरआरआर के सितारे रामचरण और जूनियर एनटीआर ने नाटू नाटू पर दी परफॉर्मेंस, निर्देशक का एसएस राजामौली भी रहे। ऑस्कर अवार्ड में द एलिफेंट विस्परर्स की धमक का मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर पुरस्कारों की जीत पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पीएम ने द एलिफेंट विस्परर्स को बताया विकास और प्रकृति का संतुलन साधने वाली डॉक्यूमेंट्री, पूरी टीम को दी बधाई। ऑस्कर में प्रेजेंटर के तौर पर नजर आई दीपिका पादुकोण, ब्लैक गाउन में अपने दिलकश अंदाज से दीपिका ने जीता लोगों का दिल। लंदन में राहुल के दिए गए बयान पर संसद में घमासान, राहुल गांधी माफी मांगो के लगे नारे। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। राजनाथ सिंह ने कहा राहुल विदेश में देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, देश से मांगे माफी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मोदी सरकार पर निशाना, कहा लोकतंत्र बर्बाद करने वाले इसे बचाने की बात कर रहे हैं। राज्यसभा में भी गूंजा राहुल के बयान का मुद्दा, पीयूष गोयल ने कहा राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। देशभर में राजभवनों तक कांग्रेस का मार्च, अदानी और सीबीआई के मुद्दे पर सरकार से विपक्ष के सवाल। आज से दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घर घर संपर्क अभियान, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के खिलाफ कार्यक्रम। विश्व टीबी दिवस पर 24 मार्च को पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे, 3 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। पंजाब में गन कल्चर के खिलाफ बड़ा एक्शन, 813 गन के लाइसेंस रद्द, समारोह में हथियारों की प्रदर्शनी पर भी रोक। अतीक अहमद के गुर्गे बली पंडित को प्रयागराज पुलिस ने हिरासत में लिया, माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ बली पंडित का वीडियो हुआ था वायरल। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद की तलाश तेज, यूपी एसटीएफ की टीम नेपाल पहुंची। काशी विश्वनाथ में बाबा के स्पर्श दर्शन के लिए अब देना होगा शुल्क, 500 से 1000 रुपए तक करने होंगे खर्च। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी के संदेश पोस्टर का किया लोकार्पण, कहा युवा पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से जुड़ना चाहिए। आगरा में 12 साल से बिछड़े भाई बहन को गूगल ने मिलाया, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने से बिछड़ गई थी बहन।